Hi friends, good evening and welcome to my YouTube channel Mani Bhattacharya Official. दो तीन दिन हो गया मैं कोई वीडियोस नहीं बनाया, लेकिन आज कुछ स्पेशल यमी कुछ लेके आ गई हूँ आप लोगों के सामने. और मैं ऐसा चीज लेके आई हूँ जो मैं क्या बताऊँ, इंडिया में बहुत ही टेस्टी यमी आप लोग मतलब ऐसा चीज बोल सकते हो जो देखते ही ज्यादा से ज्यादा 99% लोगों का मुंह में पानी आता है. तो हाँ, आज मैं कुछ ऐसे खाना लेके आ गई जो मुझे खाने का बहुत मन कर रहा था. मैं तो नहीं खाती हूँ क्योंकि देखो एक्ट्रेस हूँ और हमेशा पसंद है, जैसे स्कूल कॉलेज में हमेशा खाती थी, लेकिन आज वो मौका मिला है मुझे. मैं ऐसे शूटिंग से तो कभी नहीं खाई हूँ क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ से मैं खाती हूँ, तो आज उतना क्राउड में खड़ा होकर अच्छा नहीं लग रहा था. लेकिन मेरे लिए लेके आई है मेरे मम्मी, आप लोगों को दिखाती हूँ क्या लेके आ गए हैं मेरे लिए. ओके, चलो फ्रेंड्स. पहले तो बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस. इस चीज का एक एक जगह पे एक एक नाम है. जैसे कोलकाता में इसको फुचका बोलते हैं, क्या फुचका? हाँ. और जैसे कोई कोई जगह पे गोलगप्पे बोलते हैं, कोई कोई जगह पे पानीपुरी बोलते हैं. पानीपुरी बोलने से मेरे मुंह में आ गया. देखो फूड ब्लॉग में सब चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन मेरा कोई ब्लॉग नहीं है. मैं मेरे लाइफस्टाइल, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ शूट पे जा रही हूँ, सब चीज़ें मैं लेके आप लोगों के साथ आ रही हूँ. तो मेरा कोई ब्लॉग नहीं, मैं बस पर्सनल लाइफ में क्या कर रही हूँ सब चीज़ें लेके आप लोगों के सामने आने के लिए स्पेशली ये चैनल खोली हूँ. तो पहले मेरा काम है जो मैं पहले ये जो फुचका है, यानी कि आप लोगों के गोलगप्पे और पानी पूरी को पहले मैं प्लेट में अच्छे से सजा लेती हूँ. ओके, पहले तो मैं अच्छे से सजा लिया, यहाँ पे सज गया है. ये जो दो चोर है ना, ब्रूनो एंड मैक्स, ये लोग पहले ही दो चुरा के खा लिया. अब है यामी यामी आलू की सब्जी. मैं ना आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो आलू की जो सब्जी नहीं, आलू की जो स्टफिंग है, इसके अंदर स्टफ देते हैं, ऐसे करके स्टफ देते हैं, तो वो स्टफ ना हर जगह पे हर टाइप का होता है, लेकिन कोलकाता का ना एक स्पेशली होता है. जैसे कोलकाता में जो ऑनियन है ना, प्याज जो होता है ना, प्याज यहाँ पे नहीं देते हैं. यहाँ पे खाली आलू, छोले, मटर और भी कई सारी चीज़ें देते हैं. तो मुझे तो बस कोलकाता का ही फुचका अच्छा लगता है. मतलब कहीं और एक बार दो बार मैंने टेस्ट किया, लेकिन उतना मुझे अच्छा नहीं लगा जितना मुझे मेरे मातृभूमि यानी कि मेरा कोलकाता, मेरे होम टाउन में जितना अच्छा लगता है. आप लोगों को मैं पहले ही दिखा देती हूँ, ये जो है ना, एक चोर यहाँ पे है और एक चोर यहाँ पे है. ये लोग, हाँ हाँ हाँ, तुमको चाहिए? हाँ चाहिए ना, चाहिए चाहिए, हाँ उसको चाहिए. तो आप लोगों को मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये इसको बहुत जल्दी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं स्टफ दे देती हूँ और इन दोनों बच्चे के लिए मैं ना थोड़ा सूखा रख दूंगी, क्योंकि नहीं खा पाएगा ना, बहुत ज़्यादा ही मैं कैसे करके दे रही हूँ. जैसे देखो, वैसे खाने पीने का चीज़ें में शर्मा के कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ही खाना चाहिए, है ना. स्पून मतलब चम्मच से इसके अंदर भरो भाई, ये करो. लेकिन सबसे टेस्टी जो चीज़ें हैं दोनों बच्चे के लिए अलग अलग रख देती हूँ, क्योंकि वो लोग तो नहीं खा पाएगा. और ये स्टफ थोड़ा मैं अलग सा रख दिया क्योंकि बाद में खाऊंगी मैं. अब ये जो है ना, अब एक स्पेशल चीज़ें आप लोगों के सामने मैं लाती हूँ. अभी जो चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आई थी वो है कि टंटना, इसमें से माँ मेरे लिए वो जो खट्टा वाला पानी जो है ना वो लाए हैं. देखो वाओ, हो गया.
अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कब खाऊंगी मैं। हो गया, आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ, चलो देख लो। देखो मेरा पूरा स्टफ्स रेडी है, अब मैं खाऊंगी, खा के बोलूंगी कि कैसे लग रहा है। पहले मैं छोटे छोटे बच्चे लोगों को पहले दे दूँ, थोड़ा थोड़ा दे दूँ, क्योंकि ये लोग पूरा ही खाएगा। दे रही हूँ मैं। लो मैक्स, मैक्स खाओ, अब मैं भी खाऊंगी। मैं खा लूं पहले। सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब कई महीने में खाई नहीं हूँ। एक्चुअली मेरा तबीयत भी खराब है, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो गया है, डॉक्टर एकदम फुल रिस्ट्रिक्शन में रहने बोले हैं, लेकिन ये सब खाना मेरा मना है, मतलब बाहर का कोई भी फूड खाना मना है। लेकिन हाँ, आप लोगों को पता है कोलकाता में ना सब लोग फूडी है, खाने पीने के मामले में बहुत बहुत अच्छे हैं, खिलाना भी अच्छा लगता है उन लोगों को, मतलब हम लोगों को खिलाना भी पसंद है सबको। मैं चाहती थी, मैं जब चैनल को ओपन किया तो मैंने सोची थी कि बंगाली में ओपन करूं, लेकिन मैं आप सबको भी बहुत प्यार करती हूँ, जो लोग मेरा हिंदी वीडियो देखना पसंद करेंगे। खाली मेरा फैन फॉलोअर्स नहीं, मैं चाहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जो लोग हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी हम लोगों का राष्ट्रीय भाषा है ना, राष्ट्रीय लैंग्वेज है, तो ये हम लोगों का मतलब पढ़ाई में हमेशा ऐड होता है, एडिशनल सब्जेक्ट होता है। सो मतलब थर्ड लैंग्वेज है हम लोगों का ये। सो बंगाली में करती तो आप लोगों को समझ में नहीं आता बंगाली लैंग्वेज में बोलती, इसीलिए मैंने हिंदी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए। और मुझे अच्छा भी लग रहा है, मतलब पता है मैं जब स्कूल में पढ़ती थी ना, मुझे हिंदी इतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन मेरा भाई भी बहुत अच्छा हिंदी बोलता है। तो जब मैं मूवी करने गई, मतलब 4 साल हो गया मैं भोजपुरी फिल्म्स कर रही हूँ, और जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई रही, पहले भी मुझे अटक जाता था, मतलब मैं क्या बताऊँ, कैसे बात करूँ, मतलब पूरे दिन, मतलब सोचो कि कोलकाता छोड़ के जब मूवी करने जाती हूँ, हम लोगों के जितना दिन का शेड्यूल रहते हैं वहाँ पे तो कोई भी बंगाली नहीं है, सब लोगों के साथ हिंदी में बात करना होता है, तो मुझे कब, पहले बहुत घुटन सा होता था, मुझे लगता था कि कब मैं मूवी ख़त्म करके कोलकाता में आऊँगी, लेकिन फिर भी अभी मतलब एक्सपीरियंस हो गया है, मतलब अभी और कोई दिक्कत नहीं होता है, अभी अच्छा लगता है। बल्कि कोलकाता में मैं कुछ दिन रहती हूँ ना, तो मुझे सफोकेशन होने लगता है कि कब मैं शूटिंग पे जाऊँगी, मन भी नहीं लगता। जैसे लॉकडाउन में हुआ था ना 1.5 साल, मतलब एकदम एक्शन और कट, ये जो हम लोगों का ये जो सुबह सुनते हैं ना हम लोग, एक्शन और रात को कट, मतलब वो सब चीज़ें, मतलब बहुत घुटन सा होता था कि कब सुनूंगी। तो उसके बाद मेरा, मतलब लॉकडाउन के बाद मेरा पहला मूवी था प्रमोद जी के साथ रूप मेरे प्यार का, जब करने गई ना तो फर्स्ट डे एक्शंस, जब डायरेक्टर एक्शन बोला ना, मतलब ना सुकून आया कि हाँ यार चलो अब मैं फिर से मेरा डेली रूटीन, नहीं तो एक्सपेक्टेशन था ही नहीं कि फिर हम लोग शूटिंग कर, मतलब फिर मैं शूटिंग करूँगी, मैं मेरा ही बता रही हूँ, फिर मैं शूटिंग करूँगी, फिर कुछ होगा, फिर मास्क छोड़ के कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत फेमस सीरियल, हिट सीरियल था रानी राजमोनी, जो बंगाली चैनल के लिए मैं कर रही थी। लॉकडाउन में भी मैं जाती थी, सोचो मतलब पूरा ब्लैक, मतलब कोलकाता में एक फेमस मंदिर है दक्षिणेश्वर टेम्पल, आप लोग आए होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन ज़रूर आना, तारापीठ में आना, काली माँ की टेम्पल है, काली घाट है दक्षिणेश्वर, तो दक्षिणेश्वर की माँ काली को माँ भवतारिणी कहा जाता है, और तभी वो सीरियल चल रहा था हाइस्ट TRP, सबसे ज़्यादा बंगाल के लोग वो देखता था, खाली बंगाल के नहीं बाहर के लोग भी देखता था, बहुत हिट सीरियल था, ZTV में आता था, ZBangla में।
तो उसमें मैं मास्क लगा के जाती थी, मुझे काली माँ सजाया जाता था और फिर मतलब पूरा फेस काली हो, मतलब ब्लैक कलर होता था, समझ रहे हो, फिर गले में इतना तक पूरा ब्लैक कलर होता था, हाथ में इतना से यहाँ से ब्लैक कलर होता था, पैर में ब्लैक, बाकी बॉडी सूट रहता था, उसके ऊपर साड़ी रहता था, उसके ऊपर ज्वेलरी रहता था और जो कलर था ना वो रंग, उस रंग से ना मुझे बहुत सफोकेशन होता था, मतलब घुटन सा होता था, मैं कुछ खा नहीं सकती थी, खाली जितना टाइम शूटिंग रहता था ना, मतलब फेस पूरा कलर लगा जाता था, रेड कलर का टंग था ऐसे जो चीप, तो वो भी नकली था, वो सिलिकॉन का था, लेकिन फिर भी हाथ पाथ कुछ यूज नहीं, तो लोग मुझे जो वहाँ पे रहता था, मतलब एक लड़की जो हम लोगों का सब चीज़ें देखती थी, तो वो ऐसे करके मतलब नारियल पानी जूस, खाली लिक्विड इंटेक करती थी मैं, तो ऐसे जूस पीती थी या फिर कुछ खाली लिक्विड पानी भी पीती थी, तो खुद प्यास लगता था, तो वो स्ट्रॉ से पानी पीने का क्या मज़ा है, मतलब बहुत दिक्कत होता था। फिर पैकअप होने के बाद, क्योंकि वहाँ पे गिन के मतलब रूल्स था ना तब के, 5-6 लोग एक शूटिंग यूनिट में, 10 से ज़्यादा कोई नहीं रह सकता, तो हर डिपार्टमेंट में बहुत कम आर्टिस्ट टेक्नीशियन सब मिला के बहुत कम लोग जाता था, पुलिस आके देखता था, मतलब सब चीज़ें पूरा प्रोटेक्शन में थे हम लोग, क्योंकि डेफिनेटली ये रूल्स किया गया हम लोगों के सेफ्टी के लिए। लेकिन पैकअप के बाद पूरे स्टूडियो खाली हो जाता था, मैं 2 घंटा लगता था मेकअप उठाने में, फिर मेकअप उठाती थी, फिर मेरा ड्राइवर वेट करता था बेचारा, उसका भी उसको भी छोड़ता था, मतलब लगभग 40 मिनट्स रहता था, लगता था मेरे घर पे आने के लिए, फिर घर पे आती थी, फिर मुझे फिर मतलब हैंड वॉश करके, मतलब इतना लूज, मतलब उस टाइम हैंड वॉश करके, सैनिटाइज करके, हैंड वॉश करके, फिर मेकअप फिर से उठा के, मतलब 7-8 बार मुझे मेकअप मतलब स्किन के अंदर, फिर इन्फेक्शन भी हो गया था मेरा, मतलब उस टाइम बहुत बहुत मतलब दिक्कत हुआ था। फिर मैंने NOC दे दिया चैनल में, कुछ गुस्सा वाली बात भी हुआ, वो लोग नहीं चाहते थे, वो लोग मतलब कालिमा में मुझे शूट कर गया था ना, सब दर्शक मतलब मुझे लाइक करते थे, तो जब चैनल में मैंने बोला कि मैं मूवी करूँगी, अब मैं सीरियल नहीं करूँगी कालिमा का ये कैरेक्टर मुझे, तो बहुत गुस्सा हो गए थे कि वो इतना पॉपुलर एक्ट्रेस हो, इतना पॉपुलर कैरेक्टर है, आप क्यों कैसे छोड़ के जाओगे आप। तो मैंने सी बंगला TV में मतलब चैनल में मैंने NOC लिखा, नो ऑब्जेक्शन लेटर, मुझे दिक्कत हो रहा है, मुझे इन्फेक्शन हो गया स्किन में, तो सब चीज़ें करके चलिए कोई नहीं, बहुत सारा बातें आप लोगों के साथ किया लेकिन अच्छा भी लगा। और जाते जाते देखो मैं खाना भूल गई, लेकिन फिर मैं खाते खाते आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं तो खाना खा रही हूँ, लेकिन आप लोग भी खाओगे पानी पूरी, मैं यहाँ से कैसे खिलाऊँ, अब मेरे नाम पे जाके आप लोग प्लीज़ खा लो। और मेरे चैनल का वीडियोस आप लोग देख रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा शेयर करो ताकि सब लोग देख सकते हैं, देख पाए, और लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट बहुत ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल को, क्योंकि न्यू चैनल है ना, न्यू चैनल को इस्टेब्लिश करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो ही चैनल ग्रोथ करेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, कमेंट करो, वीडियो इतना शेयर करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस में शेयर कर दो, लिंक डाल के इंस्टाग्राम में शेयर कर दो, फेसबुक पे शेयर कर दो, इतना इतना सब्सक्राइबर लेके आओ ताकि लोग वीडियोस देखें, और मेरे साथ जुड़े हुए सभी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं शूटिंग पे क्या करूँ, मेरा लाइफस्टाइल, सब चीज़ें। तो चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जब तक आए तब तक मेरे जितना सारा वीडियोस है सब देखते रहो, मूवीज़ देखते रहो, टिल देन बाय, लव यू, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करो अभी, लव यू, बाय।